तो आइए अपनी सुपर 20 सीरीज को लेके चलते हैं। और आज हम समझते हैं अपने अभी तक तो 15 वर्ड्स लिखे हैं, बाद में पांच और देख लेंगे। तो आज का जो पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। वाटर को छोड़कर आप कोई सी भी ड्रिंक पी लो, वो सभी किस में आएगा? बेवरेज में आएगा। नेक्स्ट आता है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बॉयज बर्ड्स एक्सेट्रा, यानी कि गर्ल्स का ग्रुप हो जाए, बॉयज का ग्रुप हो जाए, या किसी और का भी ग्रुप हो जाए, बर्ड्स का भी हो जाए, उन सभी को हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम बेवी, क्या का नाउन है। नेक्स्ट आता है ए लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू इन आई स्कॉलरी वर्क, कहते हैं उसको बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी भी नाउन है और इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी कि एक ऐसा इंसान है जो बुक्स के पीछे पागल है, बस उसको बुक्स की बुक्स दिखाई देती है, हर टाइम वो बुक्स के बारे में सोचता है, उसको कहते हैं बिब्लियोफिले। क्या कहते हैं उसको? बिब्लियोफिले कहते हैं। ये भी आपका नाउन है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स 200वीं वर्ष को क्या कहते हैं? बाइसेंटिनल। नेक्स्ट आता है हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, जो हर दो साल घटे, यानी कि हर दो साल बाद एक एक जैसा ही काम होता है, उसको कहते हैं बाइनियल। क्या कहते हैं उसको? बाइनियल। ये भी आपका नाउन है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ए पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवार्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, ऐसा इंसान जो दो चार लोगों की अलग अलग ओपिनियन को टॉलरेट ना कर पाए, उसको हम कहते हैं बाइगोट। नेक्स्ट आता है ए पर्सन हु स्पीक्स ओनली टू लैंग्वेज, ऐसा इंसान जो सिर्फ दो लैंग्वेज बोल सकता हो, उसको कहते हैं हम बाइलिंगुअल। क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल। ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आता है द स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन Somebody else, यानी कि मैं हूँ और मेरी कहानी कोई और लिख दें, उसी को कहेंगे हम बायोग्राफी। क्या कहेंगे उसको? बायोग्राफी, जीवनी। ये भी आपका नाउन है। नेक्स्ट आता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो बहुत ही ज़्यादा विचित्र सा हो, स्ट्रेंज सा हो, अनयूजुअल हो, असाधारण सा हो, उसको कहते हैं बिजारे। नेक्स्ट आता है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग, यानी भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें कहना, कहते हैं उसको ब्लैस्फेमी। ये भी आपका नाउन है। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, ऐसे इंसान जो साउथ अफ्रीका के तो हैं लेकिन डच के वंशज हैं, उसको कहते हैं बोर। ये भी आपका नाउन है, बोर कहते हैं उनको। नेक्स्ट आता है वन हु डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि सोशल लाइफ जो सामाजिक जीवन होता है उसके जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो नहीं करता, उसको कहते हैं बोहिमियन। क्या कहते हैं उसको? बोहिमियन कहते हैं। और ये भी आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आता है एन एविड बुक रीडर, एविड बुक रीडर जो हद से ज़्यादा बुक पढ़ता है, एक का तो हमने कहा था जो जिसे बुक बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक है हमारा जो हद से ज़्यादा बुक पढ़ता है, उसको कहते हैं हम बुक वॉर्म। क्या कहते हैं? बुक वॉर्म। ये भी आपका नाउन है। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जो स्टडी होती है वो एक ही ब्रांच में होती है साइंस की, और उसको कहते हैं बॉटनी। ए बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट्स स्लोवर एंड स्टॉप्स, यानी कि ऐसी जगह रोड जहाँ से थोड़ा संकरा हो जाए, जहाँ पर इस ट्रैफिक को रुकना पड़ता है, बहुत स्लो हो जाता है, उसको कहते हैं बोटल नेक। ये भी आपका नाउन है। ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, यानी कि रोड तो बहुत चौड़ा है लेकिन वो किससे ढका हुआ है, बॉर्डर किससे किया गया है, वो ट्रीज से किया गया है, ऐसे को कह गया बॉलीवर्ड। ये भी आपका नाउन है। नेक्स्ट आता है अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउस, यानी कि काउ से संबंधित जो भी चीज़ होगी काउ से संबंधित, उसको कहते हैं बोवाइन। एडजेक्टिव है, इसको कहते हैं गो जाती है। नेक्स्ट आता है अ सैडी प्लेस अंडर ट्रीज, यानी कि ट्रीज है बहुत सारे और उसके नीचे का छायादार क्षेत्र, उसको कहते हैं बावर। क्या कहते हैं उसको? बावर कहते हैं। ये भी आपका नाउन है। नेक्स्ट आता है अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, ऐसी जगह जहाँ पर बियर बनती है उसको कहते हैं शराब की भट्टी, ब्रूवरी। क्या कहते हैं उसको? ब्रूवरी, नाउन है। ये भी आपका। तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा, एक नई सीरीज के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।